हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एमएल चौधरी फ्रॉम एसटी ट्यूटोरियल्स। आज फिर एक बार हाजिर हूँ मैं आपके लिए सीडीएस पेपर 3 फरवरी 2019 का आंसर की। दोस्तों, अगर किसी को विजुअलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप साइड में लिंक पर जाकर वहाँ से क्वालिटी को बढ़ा लेवें। अगर फिर भी आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हेलो भेजकर भी CDS का PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। जैसे जैसे मेरे पास पेपर पहुंच पा रहा है मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करता रहूंगा। शुरुआत में मैंने 75 क्वेश्चंस का यहां कलेक्शन डाला है आपके लिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हाउ वी रेस्पॉन्ड टू एजिंग इज ए चॉइस वी मस्ट मेक वॉइजली। कि भैया, हम जो जीर्णता है, बुढ़ापा है, उसको कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, तो वर्ड यूज हो जाएगा रेस्पॉन्ड। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की बात करूँ तो वो कुछ रिस्क लेकर चलती हैं, तो कैरीज फ्यूअर रिस्क, यानी उनमें रिस्क बहुत कम होती है। स्ट्रेस में, स्ट्रेस है वो फर्टिलिटी का अर्थ होता है बच्चे पैदा करने की ताकत को कम कर सकता है, रिड्यूस। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुटबॉल मैच हैड टू बी कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों कोई भी मैच है उसको रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना। नोबडी बिलीव्ड राम एट फर्स्ट। राम पर किसी ने शुरुआत में विश्वास नहीं किया, लेकिन अंत में ही केम आउट टू बी राइट, और वो अंत में निकल कर आया बिल्कुल सही। अगर किसी से पूछते हो आपका जॉब कैसे चल रहा है तो हाउ आर यू गेटिंग इन योर न्यू जॉब। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लिख दिया है। वी लिव इन ए टावर ब्लॉक। यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन यू डिसाइडेड नॉट टू। आपने अप्लाई करने जा रहे थे, फिर तुमने नहीं करने का डिसीजन लिया। सो व्हाट पुट यू ऑफ। किस चीज़ ने तुम्हें ऐसा करने से रोका, या किस बात ने तुम्हें ऐसा करने से रोका, तो पुट यू ऑफ। दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। ऑल दो इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट ए रेनकोट। बरसात हो रही थी फिर भी रेनकोट लेके नहीं गया। ये कह रहा है नो पार्किंग जोन में मैंने कार पार्क कर दी, फिर भी मैं पनिशमेंट से बच गया। आई गॉट अवे विद इट। फिर भी मैं इससे बच गया। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है। सिनोनिम्स बहुत लेवल के डाले गए हैं, लेकिन जहाँ लैंग्वेज लिखी जाती है थोड़ा सा मामला इजी हो जाता है। ए प्रोवोकेटिव मैसेज, यानी भड़काऊ मैसेज। तो डेक्स्ट्रस, वेलियंट, प्रूडेंट सब पॉजिटिव टोन के वर्ड हैं। इन्फ्लामेटरी जो नेगेटिव टोन का वर्ड है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है हैवी प्रेसिपिटेट इन सेवरल रीजन्स। हैवी प्रेसिपिटेशन का अर्थ होता है हैवी रेनफॉल। एंड द नेक्स्ट वन इज द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम्स एंड कंप्लेंट्स टू एनोनिमसली रिपोर्ट साइबर क्राइम। एनोनिमसली का अर्थ होता है अज्ञात रूप से, जो ज्ञान नहीं हो, इनकॉग्निटो। ही सफरिंग फ्रॉम ए टर्मिनल डिजीज, जो उसको लेके मरेगी, इनक्योरेबल है। डॉक्टर्स आर रिलक्टेंट, डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते हैं। इंक्लाइंड का अर्थ होता है इच्छुक, डिसइंक्लाइंड इसका आंसर हो जाएगा। रेप्रीमेंड करना का अर्थ होता है चाइल्ड रिबूक, चास्टाइज, किसी को डांटना, एडमोनिस्ट इज द राइट चॉइस। आगे बढ़ जाइए धीरे धीरे। ये कह रहा है गांधी जी के बारे में, कह रहा है कि वॉज एन असेट नॉट ए लाइबिलिटी। तो असेट का अर्थ होता है एडवांटेज। हाउ हिस्टेरिकल हिज, हिस्टेरिकल का अर्थ होता है बर्सर्क। मैस इज मोस्टली प्रिजुडिस्ट इन पॉलिटिकल ओपिनियन। प्रिजुडिस्ट का अर्थ होता है जॉन्डिस्ट। काफी नया वर्ड लग रहा है जॉन्डिस्ट, तुमने पी लिया पढ़ा है, लेकिन जॉन्डिस्ट का अर्थ भी होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित, बायस्ड। डोंट इंडल्ज इन टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का अर्थ होता है किसी भी वर्ड के दो मीनिंग निकालना, या किसी भी बात को दो बार रिपीट करना, तो अर्थ हो जाएगा प्रोलिक्सिटी। आगे बढ़ जाइए धीरे धीरे। हिज रिलीजियस व्यूज आर रेदर फेनेटिकल। फेनेटिकल का अर्थ होता है बहुत ज्यादा कट्टर विचारों में, बाइगोट या डोगमेटिक कहूँ मैं उसको, तो बाकी बाइगोटेड, रैबिट, लिमिलिटेंट, ये इसके नेगेटिव टोन के वर्ड हैं जो इसके सिनोनिम हो गए। मॉडरेट विल बी द राइट आंसर। हेरेटिक्स, हेरेटिक्स का मतलब होता है डिसेंटर, रेनिगेड या एपोस्टेट, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा बिलीवर। इनर्ट का अर्थ होता है अक्रिय, डोरमेंट कह दीजिए उसको भले आप, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा लाइवली। आगे बढ़ जाइए। मिजेंथ्रोपिक सब जानते हैं, फिलेंथ्रोपिक होता है ए पर्सन हु हेड्स मैनकाइंड। द टीचर वॉज ए वेरी प्रोफाउंड मैन। प्रोफाउंड यानी बहुत अच्छे नॉलेज वाला, स्कॉलरली, इरुडाइट कह सकते हैं उसको आप। एंटोनिम बन जाएगा सुपरफिशियल। हिज हैंड राइटिंग इज रीडेबल, समथिंग दैट इज नॉट रीडेबल, इलेजिबल। आगे बढ़ते चलिए। स्टीड फास्ट यानी बहुत अच्छा दोस्त, भरोसेमंद, अनरिलायबल।
राधा हमेशा जब भी डिबेट करती है टेम्पटस बन जाती है। काम, वाइटल इंफॉर्मेशन एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन इन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। हिज लेक्चर्स आर ऑफन वर्डी, वर्डी यानी बहुत लंबे चौड़े चलते थे, कंसाइज। आगे बढ़ जाइए, अरेंज करना बहुत सिंपल है दोस्तों। देखो यहाँ पकड़ने का तरीका भी सिखा देता हूँ साथ साथ में थोड़ा सा। रिफ्यूज ऐसी वर्ब है जो डबल ऑब्जेक्ट्स लेगी, एक वो ऑब्जेक्ट हुआ हर और दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ द प्राइज मनी, यानी क्यू के बाद पी आना है एक ही ऑप्शन में दोस्तों। आर एस क्यू पी फर्स्ट ऑप्शन हो गया। फिर आप चले तो यहाँ आपको पढ़ा है द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी हेल्ड ए मीटिंग डिमांडिंग ए प्रोब इनटू द इलीगल ड्रग, तो ड्रग के बाद ट्रेड आना है, यानी आपको आर के बाद पी चाहिए जो एक ही जगह मिल रहा है दोस्तों आपको। फिर तुम आगे बढ़े तो हमें तुम्हें यहाँ पता चल रहा है डिक्लेयर द इंस्टीट्यूशन क्लोज्ड, यानी एस के बाद आर आना है, वो भी केवल एक ही जगह दिख रहा है मुझे, क्यू पी एस आर, बहुत सिंपल डाल दिए हैं। फिर दोस्तों तुम देख रहे हो एलेजली के बाद वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना, एक ब्रस्ड है एक स्टेप्ड है, यानी एस के बाद या तो क्यू आना है या पी आना है। देख लीजिए कहाँ एस के बाद पी क्यू लिखा गया है, एस के बाद क्यू लिखा गया, सी ऑप्शन में यही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए फटाफट से। जी देखो ट्रॉल फ्रॉम एन अर्थक्वेक एंड सुनामी इन इंडोनेशिया, तो क्यू आर पी एस वेरी करेक्ट। अब देखो ए न्यू पी ऑप्शन में देखना, पी के बाद ए न्यू इलनेस नहीं हो सकता, ए न्यू प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, ए न्यू डीएनए टूल, यानी पी के बाद आर आना है, वो एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको फर्स्ट ऑप्शन में, पी आर एस क्यू। आगे बढ़ जाइए जरा, इसका आंसर हो जाएगा क्यू एस आर पी। देखो ये बीच वाला है, ये बीच में लेना पड़ेगा क्यू के तुरंत बाद, क्यू एस आर पी। आगे बढ़े वीडियो में तो अपन ने देखा इट इज दस ए गुड आइडिया, गुड आइडिया फॉर सीनियर सिटीजन्स, क्यू के बाद एस देखिए सी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आर के बाद क्यू, ढूंढो कहाँ है, ए ऑप्शन में, वेरी करेक्ट। आगे बढ़िए देखो दोस्तों आप तो ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल आर के बाद क्यू ढूंढिए, केवल बी ऑप्शन में मिल रहा है, एस पी आर क्यू। बढ़ जाइए धीरे धीरे, अब आने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज। ए मैच मेड इन हेवन, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, एक ऐसी मैरिज जो खुश नसीब हो सक्सेसफुल हो, सी ऑप्शन। एक कल्चर वल्चर का अर्थ होता है एक आदमी जो बहुत शौकीन हो आर्ट एंड लिटरेचर का। ए डेथ ब्लो, डेथ ब्लो का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको एंड रिजल्ट तक या फिर मरने तक की बात हो जाए। एन एक्शन और इवेंट विच कॉजेज समथिंग टू एंड और फॉल। द जेवेल क्राउन द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ए ग्रुप ऑफ थिंग्स। टू लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज में रहना, हसीन सपने देखते रहना। टू बिलीव दैट थिंग्स यू वॉन्ट विल हैपन, वैसा ही होगा जैसा मैं चाह रहा हूँ। रोटन एप्पल बचपन से पढ़ते हैं, वन वन बैड पर्सन इन ए ग्रुप ऑफ गुड पीपल। टू वॉट विद योर फिट, देखते नहीं हैं भाई, टू वॉट विद योर फिट, बाहर चले जाते हैं। तो टू सो दैट यू डोंट सपोर्ट समथिंग, वर्बल डायरिया, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, गैरुलस टोकेटिव हो जाएगा। फिर आगे बढ़ गए, टू सेल क्लोज टू द विंड, यानी टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस। ए डबल एंटेंट, ए वर्ड विच हैज़ टू मीनिंग्स। टू कट योर ओन थ्रोट, एग्जैक्ट तो नहीं है भैया इसका कोई भी, कट योर ओन थ्रोट का मतलब है ऐसी हरकतें करना जो तुम्हें खुद को ही नुकसान पहुंचा दें, इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ जो सबसे नेगेटिव जा रहा है वो टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री, एंग्री हो तो कुछ कर रहे हो तो नुकसान तुम्हें ही होना है। कुक द बुक्स का अर्थ होता है रिकॉर्ड्स के अंदर हेर फेर कर देना। टू रिकॉर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। चेंज योर टोन, यानी भाषा बदल लेना जैसे फ़ायदा होता दिखे। टू चेंज योर ओपिनियन, ब्लू ब्लड आता है एक नोबल फैमिली से जो आता है। टू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास। कट द क्रेप एन इम्पोलाइट वे ऑफ टेलिंग समथिंग। टू स्टॉप सेइंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, दैट्स कट द क्रेप। आगे बढ़ जाइए, एरर्स स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से। देखो बहुत सिंपल सा है, एरर्स हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज, नहीं भैया अगर मानसून में कुछ दिनों की बात करें तो कुछ दिन है तभी तो अपन ने सेंटेंस लिखा ना, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू डेज। अप्राइज अपने बाद प्रपोजिशन ऑफ लेता है, विद नी अप्राइज ऑफ और अप्रोच, अप्राइज ऑफ टू इन्फॉर्म। द सेलिब्रेटेड ग्रामेरियन पतंजलि वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ, कंटेम्प्रेरी अपने बाद प्रपोजिशन ऑफ लेता, ये भी प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। हिज अपील फॉर फंड्स मेट विद ए पुअर रिस्पॉन्स, मेट विद लिखा जाता मेट ए पुअर रिस्पॉन्स, नहीं भाई यहाँ पे विद मिसिंग है, फ्रेजल वर्ब का एरर है। बुद्धिम्स टीचेज दैट, बुद्धि जो मैं ये पढ़ाती है, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स विल लीड टू स्केप सफरिंग,
देखो भाई, जो भी कोई सदा सत्य का स्टेटमेंट लिखा जाता है उसको हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिया जाता है, तो फिर लीड किसी का लीड्स लिखिए आप। द हार्डली वॉन लिबर्टी नहीं भैया, द हार्डली वॉन फ्रीडम नहीं, द हार्ड वॉन लिबर्टी और फ्रीडम, जो बहुत मुश्किल चाहिए है। बढ़ जाइए आगे फटाफट से। माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग रीड ए मोर इंजॉयबल बुक, इसमें कोई एरर नहीं है भाई। विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट। देर आर हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशंस, हंड्रेड को जब कभी भी कोई कार्डिनल नहीं दिया जाता तो इसको हंड्रेड्स लिखना पड़ता है। इट इज इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्थन यूरोप दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड ए द बेनिफिशियल इफेक्ट्स हुआ तो कोल्ड आर मोस्ट मैनिफेस्ट। द इफेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑन जेंडर इक्वेलिटी नाउ अपीयर टू बी ट्रिकलिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन, एट द नेक्स्ट जनरेशन गलत है, इन द नेक्स्ट जनरेशन। सिंस द 15 मिनट्स नहीं होता भैया, फॉर द 15 मिनट्स होगा। इंडिया वॉन बाई एन इनिंग्स एंड 3 रन्स, नो एरर भैया। इनिंग्स है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ईच वन ऑफ दी चेयर्स इज ब्रोकन, बहुत सिंपल डाल दिया है। फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है, फ्यू क्रिएचर्स। आउटविट द फॉक्स इन एसोप्स फेबल्स। Anywhere in the world when there is conflict, women and children suffer most, नहीं कि the most। देखो बच्चे, आपने सुना है superlative degree के adjective से पहले दा लगता है, लेकिन most यहाँ adverb है और adverb को article नहीं मिलता है भाई, ये ध्यान रखिए आप। तो the most नहीं भैया, most ही, suffer most। The man is the foundation director of this company। The man is a foundational नहीं भैया, foundation। पेरेंट्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी मेंबर्स, पेरेंट्स खास हो गए, फिक्स हो गए, तो द पेरेंट्स ऑफ। टू लव वन आर्ट फॉर्म इज ग्रेट, वन आर्ट फॉर्म इज ग्रेट, एक आर्ट फॉर्म को प्यार करना सही है, बट टू बी एबल इज प्राइसलेस, नो कि आर प्राइसलेस, यहां सी ऑप्शन में गलती है। फीमेल लिटरेसी रेट वेंट अप बाय 11% इन द पास्ट डिकेड, पास्ट डिकेड की बात हो रही है तो पास्ट में ले जाइए सेंटेंस को, गो हैज गॉन अप की जगह वेंट अप कर दीजिए। चलो जी, मिलते हैं एक और सॉल्यूशन सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। अगले पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं आपका ML चौधरी, देखते रहिए एस ट्यूट ट्यूटोरियल।